दशहरा पर्व पर देश भर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन नेहरू नगर में शस्त्र पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण आचार्य मिश्र, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, महामंत्री भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय मौजूद रहीं। इसके अलावा पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित रहे। हवन पूजन करने के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है, यहाँ उमंग और उल्लास के साथ अनेक त्योहार मनाने की परंपरा रही है। हमारा भारतवर्ष त्योहारों का पर्व है, यहाँ पर उमंग और उल्लास के साथ में सभी त्योहार मनाते हैं। आज दशहरा का पर्व है, पहले तो सबसे पहले दशहरा पर्व की सबको बधाई शुभकामनाएं। और आज और अच्छा दिन है हमारे लिए, बड़े गर्व का विषय है कि माँ अहिल्या देवी के 300वां जन्म उत्सव है। उस माँ अहिल्या के 300वें जन्म अवसर पर भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास रहा है, हिंदुस्तान की गौरवशाली संस्कृति रही है, हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपरा रही है। कांग्रेसियों को नहीं मालूम सनातन परंपरा क्या है, ये प्राचीन काल से सनातन परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि देश के ऊपर हमारे जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक हैं वो हर विजयदशमी के ऊपर देश की, अपने राष्ट्र की, अपने वतन की, अपने भारत माता की रक्षा करने के लिए शस्त्र पूजन करते हैं। इसी प्रकार से देश हो, मध्य प्रदेश हो, हमारा भोपाल हो, हर साल विजयदशमी पर्व के ऊपर शस्त्रों की पूजन होती है। ये पहला दिन नहीं है, हम तो कई बार शस्त्र पूजन के अंदर आए हैं। मैं समझता हूँ सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश की पुलिस कर रही है। और वे आज यहाँ पे नवरात्रि के पर्व, नवरात्रि का जो पर्व होता है शक्ति का पर्व होता है, भक्ति का पर्व होता है, आराधना का पर्व होता है। 9 दिन तक हमारे पुलिस परिवारों ने माँ जगदम्बे से भक्ति करके शक्ति अर्जित की है। ओंकारेश्वर में जाएंगे, वहाँ पर अहिल्या जी का और नर्मदा घाट का पूजा करेंगे और माँ जगत जननी से आराधना करेंगे, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और आगे के कार्यक्रम। और भावी वो शस्त्र पूजा इंदौर में करेंगे।